सुप्रभात प्यारे बच्चों, ठीक हो आप सभी। चलिए आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर एक का भाग नंबर ख करेंगे। कल हमने उसका भाग नंबर कह किया था जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे, तो आज हम करेंगे आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आप देखो सबसे पहले है ईश्वर के समक्ष कौन प्रार्थना कर रही है। आपने जब कविता को ध्यान से पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि ईश्वर के सामने कौन प्रार्थना कर रही है। ईश्वर के सामने एक गरीब भगतनी यानी एक गरीब औरत क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। ईश्वर के समक्ष एक गरीब औरत प्रार्थना कर रही है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर दो है, ईश्वर को भगत क्या क्या भेंट चढ़ाते हैं। देखो आप भी मंदिर में जाते हो तो आपको ही पता है कि मंदिर में पूजा करने के लिए लोग क्या क्या लेकर जाते हैं, लेकिन हमें इसमें क्या है, कविता से जुड़ी हुई बातें ही लिखनी है, ठीक है। अब कविता में तो कोई धूप लेकर जाता है, कोई प्रसाद लेकर जाता है, कोई फूल लेकर जाता है और कोई बहुमूल्य भेंट चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या बनता है, देखो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है ईश्वर को भगत भोग का प्रसाद फूलों की माला, धूप मोती आदि कीमती भेंट चढ़ाते हैं। ईश्वर को भगत भोग का प्रसाद फूलों की माला धूप आदि कीमती भेंट चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर तीन है, दीन स्त्री ईश्वर को क्या भेंट कर सकती है, यानी दीन स्त्री यानी जो गरीब औरत थी वो ईश्वर को क्या भेंट कर सकती है। इसका उत्तर क्या बनता है, दीन स्त्री ईश्वर को अपने पूरे तन मन से, अपने सच्चे हृदय से यानी सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देती है और अपने सच्चे हृदय के उन्मत्त भाव को भेंट कर सकती है। तो प्यारे बच्चों यही आपके तीन प्रश्न उत्तर थे इस पाठ से संबंधित, और बहुत ही अच्छी कविता थी और बहुत कम अभ्यास था। तो बेटा मैंने आपके दोनों ही पार्ट जो अभ्यास के भाग थे वे दोनों ही मैंने क्या है उनको पूरा करवा दिया है, ठीक है। तो बेटा आपका पार्ट एक कंप्लीट हो गया है। आपने क्या करना है, पार्ट एक का रिवीजन करना है, क्योंकि एक बार मैं इसको करवा चुका हूँ, दूसरी बार मैं इसको वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, इनको अच्छी तरह से याद करना है। अब नेक्स्ट डे मैं आपका क्या करूँगा, फर्स्ट यानी पार्ट एक का टेस्ट लूँगा। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।